हुआ है। इस प्रोसेस में क्या हुआ था, डीएनए ए, बट यहां से इस प्रोसेस में जब हम जा रहे थे तो क्या चीज लोड हो रही थी इस पे, ये वाला कॉम्प्लेक्स, यानी आप स्पेसिफिकली इसको मेंशन कर लो डीएनए सी। सी प्रोटीन आके इसके ऊपर बाइंड कर रहा था, बाइंड करने के बाद अब जो अगला प्रोटीन आ रहा है वो कौन आ रहा है, डीएनए बी, और साथ में क्या लेके आ रहा है, एटीपी। जैसे ही एटीपी क्या होगी, यहां पे एटीपी, अगला प्रोसेस क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलिसिस, और ये क्या करेगा, रिलीज एनर्जी, और जैसे ही ये रिलीज एनर्जी करेगा ये फोल्डिंग खत्म हो जाएगी, यानी ये नॉर्मल क्या बन जाएगा, इसी तरीके का डीएनए बन जाएगा, और सारे के सारे प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। कौन से प्रोटीन्स, इसके बाहर कौन से प्रोटीन चले जाएंगे, तो बाहर चले जाएंगे कौन कौन से, डीएनए सी प्लस उसका कॉम्प्लेक्स, उसके साथ जो भी डीएनए के साथ ये वाले प्रोटीन्स थे टी ए बी सी, ये वाले सारे निकल जाएंगे, और एक कौन सा निकल जाएगा, डीएनए प्रोटीन ए। अब बच कौन सा गया, सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रोटीन बी, और ये जो डीएनए प्रोटीन है, मेरे को रब करना पड़ेगा इसको, आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको ये समझना पड़ेगा ही, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया है, डीएनए प्रोटीन बी। अब डीएनए प्रोटीन, देखो ये फोल्डिंग हट गई थी, अब ये यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास रेप्लिकेशन बबल, ये रेप्लिकेशन बबल, और रेप्लिकेशन बबल के बाद क्या हो गया, हमारे पास ये नाइनमर वाली यूनिट आ गई। अब नाइनमर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो गया अब हमारे पास डीएनए बी, तो ये है हमारे पास डीएनए बी प्रोटीन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हम जो पढ़ेंगे वो एक साइड का पढ़ लेंगे, दूसरा सेम चीज़ होती है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या करता है, एक साइड से काम करता है, ठीक है, तो ये एक साइड से काम करता है ऐसे। अब ये जो क्या करेगा, ये जो डीएनए प्रोटीन बी होता है ये काम करेगा किसका, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का, और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा तो इसका अगला जो प्रोटीन था वो हमारा इंपॉर्टेंट था, वो डीएनए बी प्रोटीन, और डीएनए बी प्रोटीन कैसा काम कर रहा है, डीएनए बी प्रोटीन हेलिकेस एक्टिविटी, हेलिकेस का मतलब समझ आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना, तो ये जो डीएनए बी होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा तो इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, यानी देखो ये आगे बॉन्ड ये तोड़ता गया, रेप्लिकेशन फोर्क क्या होती जाएगी, जैसे ये है इतना, ये रेप्लिकेशन फोर्क क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये आगे जब बॉन्ड तोड़ता जाएगा तो ये क्या करेगी, वापस ज्वाइन होने की कोशिश करेगी, तो ये ज्वाइन ना हो उसी के लिए क्या होता है, एक प्रोटीन और होता है, और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं SSB प्रोटीन, या फिर उसी प्रोटीन को बोलते हैं HDP। SSB का मतलब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा होता है HDP, देखो दूसरा नहीं होता है, सेम प्रोटीन का नाम है HDP, और HDP का मतलब होता है हेलिक्स, यानी DNA हेलिक्स, डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करता है, ये इस स्टैंड के ऊपर आके बाइंड कर जाता है, कौन सा, ये वाला, तो ये ऐसे लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन, और ये क्या होता है, ये यहाँ पे कौन सा, क्या कौन रहता है, हेलिकेस आगे चलता जाता है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इसके साथ क्या आ जाते हैं, SSB प्रोटीन्स,
SSB प्रोटीन्स होते हैं वो टेट्रामर होते हैं। टेट्रामर का मतलब कितनी यूनिट से बने होते हैं, 4 यूनिट से। तो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से क्या होते हैं, दोनों तरफ अटैच हो जाते हैं। अब अगर ये दोनों तरफ अटैच हो गए तो क्या ये दोबारा से, ये जो दोनों स्ट्रैंड है, ये जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। नहीं जुड़ पाने के तो उसी लिए तो क्या कर रहे थे हम, SSB प्रोटीन, यानी देखो हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करना, स्टेबल नहीं होने देना। और जब ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिस्टेबलाइज। तो वही प्रोटीन है और वही वो कैसे होते हैं, टेट्रामर्स। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोसेस होता है इसके साथ साथ ये आगे कट करता जाएगा। अब आती है हमारे पास एक और प्रोटीन हो गया, कौन कौन सा, एक SSB प्रोटीन या फिर इसी को हम बोलते हैं HDP प्रोटीन। अब जैसे ही ये चीज़ बनती जाएगी, तो सपोज मान लो ये है हमारा 5' और ये है 3', और ये 3', और ये क्या होता है 5'। ठीक है, हमने पिछली क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे जो दूसरा स्टैंड बनाएगा वो एक एंजाइम बनाएगा, और वो कौन सा एंजाइम बनाएगा, पॉलीमरेस, और ये होता है DNA पॉलीमरेस, यानी DNA पोल 3। बट DNA पोल 3 है वो अटैच कहाँ पे होगा, सिर्फ OH पे। ठीक है, पिछली क्लास में यही चीज समझाई थी, ये तो ये जो OH क्रिएट कर देता है वो कौन करता है, प्राइमेस। ये चीज़ नहीं समझ आई है, ये पिछले क्लास में समझा रखी है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे DNA पोल 3 के आने से पहले कौन आके अटैच होगा, एक दूसरा एंजाइम जिसको बोलते हैं प्राइमेस, या फिर इसी को बोल देते हैं DNA प्रोटीन जी, DNA जी प्रोटीन। यहाँ पे आके अटैच हुआ, इसने क्या क्रिएट कर दिया, OH। जैसे ही ये OH क्रिएट कर दिया, यानी जैसे ही प्राइमेस अटैच हुआ, इसके पीछे पीछे कौन अटैच हो जाता है, हमारा DNA पोल 3। यहां पे कौन आ गया, DNA पोल 3। अब DNA पोल 3 क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है OH साइट को, और जो आसपास सेल, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस यानी प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता नहीं, सेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स घूमते रहते हैं, तो इसको रीड करता है। एक चीज और देखनी पड़ेगी क्योंकि हमने ये नहीं हटाया है, ये प्राइमेस जैसे ही आता है, जहां जहां पे प्राइमेस आएगा वहां से क्या कर देगा, इस प्रोटीन को हटा देगा, और जैसे ही न्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीमरेस बाइंड करेगा, ये पॉलीमरेस एंजाइम DNA पोल 3 इन टेट्रामर प्रोटीन्स को हटाते जाएगा, और हटाते जाएगा तो साथ में क्या अटैच करता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करेगा तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन। ठीक है, ये आगे खिसकता जाएगा, आगे खिसकता जाएगा तो क्या अटैच करता जाएगा, इस तरीके से ये अटैच हुआ, ये अटैच हुआ, आगे बढ़ता जाएगा। सपोज मान लो मैं ही पॉलीमरेस हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये उठाया अटैच किया, उठाया अटैच किया, उठाया अटैच किया, आगे से किसको हटाते जा रही हूँ, SSB प्रोटीन्स को। ठीक है, तो ये सब साइमेंटेनियसली ये चीज़ें होती जाती हैं, और धीरे धीरे जब मैं इसको लगा रही हूँ तो ये क्या बन रहा है, इसका डबल स्टैंड बन रहा है। ठीक है, अब इस डबल स्टैंड के ऊपर भी एक क्या हो गया है, एक ये अटैच हो गया प्राइमेस। ठीक है, अब देखो ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये हमने पिछले क्लास में यही पढ़ा था, 5' से किसके तरफ जा रहा है, 3' के तरफ, ये 5', 3', 5', 3', ऐसे। अब यहां पे अगर मैं अटैच करूं तो जो प्राइमेस है वो कहां पे अटैच होगा, यहां पे अटैच होगा, तो ये है हो गया हमारे पास, इसको हटाएगा ये क्या है, प्राइमेस तो रेड से बना है, तो ये क्या है, प्राइमेस। यहां पे क्या बना देगा, 5 स्टैंड बनाएगा, ये इसको हटाता जाएगा, सेम प्रोसेस, और क्या बना देगा, यहाँ पे हटाता जाएगा इसको और DNA स्ट्रैंड बनाता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आएगा DNA पॉलीमरेज 3 हट जाएगा यहाँ से। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ है, ये DNA B
यानी जो हेलिकेस होता है वो क्या करेगा, आगे इनको तोड़ता जाएगा। ठीक है, आगे जब तोड़ता जाएगा तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रैंड था, 5 स्ट्रैंड। ये कौन सा स्ट्रैंड था, 3। ये 3 स्ट्रैंड और ये कौन सा था, 5 स्ट्रैंड। यहां पे ये क्या है, ये हेलिकेस कहां पहुंच गया है, यहां पे। अब क्या हुआ है, यहां पे कौन सा क्या था, पहले से क्या अटैच है, प्राइमेस। साथ में ये क्या बना रहा है, ये पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाता जा रहा है, बनाता जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ता जाएगा, ये पॉलीमरेज ऐसे बनाता जाएगा ऐसे। ठीक है, ये 5 स्टैंड और ये 3 स्टैंड कंटिन्यू करता जाएगा। बट अगर हम किसकी बात करें, इसकी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ के आसपास इसने क्या ऐड किया था, प्राइमेस, और प्राइमेस के आगे इसने क्या बना दिया था, 2 स्टैंड। अब क्या इतना ही रह जाएगा, नहीं, ये क्या करेगा, ये एक यहाँ के जैसे अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ पे एक और प्राइमेस ऐड कर दिया और वहाँ से डीएनए पॉलीमरेज अटैच करके ये बना देगा। जैसे इसके साथ आएगा ये डीएनए पॉल हट जाएगा, दूसरा डीएनए पॉल आएगा। अब अगला, ये इतना स्ट्रैंड खुल गया है, ये क्या करेगा, यहाँ पे प्राइमेस ऐड करेगा। प्राइमेस ऐड करते ही जहाँ जहाँ पे भी प्राइमेस आएगा उसके साथ क्या आएगा, डीएनए पॉल 3 भी आएगा। तो यहाँ पे क्या अटैच हो गया, प्राइमेस। तो अब ये साथ में क्या अटैच कर देगा, डीएनए पोल, और वो डीएनए पोल क्या बना देगा, इसे न्यूक्लियोटाइड बना देगा, यानी ये चेन। अब यहां पे देखो ये क्या है, ये गैप्स आ गए, चीज समझ आई। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ी सी देर कि ये जो स्टैंड होता है ये कहां से आया है, पेरेंट स्टैंड से, और पेरेंट स्टैंड को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होता है, टेम्पलेट। और टेम्पलेट स्टैंड पे इसने क्या बना दिया है, एक और चेन बना दी। अब ये जो चेन है इसके बीच में क्या कोई ब्रेक है, नहीं। अगर नहीं है तो इसको हम बोलते हैं कि ये कौन सा स्ट्रैंड होता है, लीडिंग स्ट्रैंड। और लीडिंग स्ट्रैंड नाम देने का एक कारण और है कि अब ये आसानी से कम टाइम में बन जाएगा। और ये जो ये वाला स्ट्रैंड बनता है ये कम टाइम में बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। बट ये जो है क्या ये पूरा स्टैंड बन गया, नहीं। इसके बीच बीच में क्या अटैच है, प्राइमेस। बट ये इसके उल्टा वाला तो क्या था, पूरा का पूरा कंटिन्यू ऐसे स्टैंड था, स्टैंड तो ऐसा बनना चाहिए, बट क्या ये ऐसा बना है, नहीं। इसके बीच बीच में क्या है, प्राइमेस अटैच है। तो ये क्या करेगा, इस पे हमें और काम करना पड़ेगा, यानी हमारे एंजाइम्स को और काम करना पड़ेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो लीडिंग स्टैंड होता है ये हरदम कहां से कहां तक बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्या ये यहां से उल्टा ऐसे बन सकता, अगर ऐसे बन सकता था तो ये भी यही हो जाता, इस तरीके का ही, नहीं बन सकता, क्योंकि प्राइमेस हरदम कहां पे एंड करता, कहां पे अटैच होता है, जहां पे इसको 5 प्राइम एंडिंग दिखती है वहीं पे आके अटैच होता है, कौन, प्राइमेस। तो लीडिंग स्ट्रैंड अब अगर आप देखोगे तो हरदम और हरदम कौन सी होती है, 5 स्टैंड से लेके 3 स्टैंड वाली क्या होती है, लीडिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड हरदम देखोगे कि 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम वाली क्या होती है, लैगिंग स्ट्रैंड। चीज समझ आई। अब देखो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कि एक फर्स्ट पार्ट होता है जिसको जो हम नाम दे देते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन कहां से कहां तक हो रहा था, तो इनिशिएशन जहां तक हमारा डीएनए प्रोटीन ए काम कर रहा था, तो जो जहां तक डीएनए प्रोटीन ए काम कर रहा था वही प्रोसेस क्या था, वही प्रोसेस था इनिशिएशन। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है एलोंगेशन। एलोंगेशन का प्रोसेस, एलोंगेशन का मतलब क्या होना, चेन को बढ़ाना, डीएनए की के स्टैंड को बढ़ाना। डीएनए का स्टैंड बढ़ना कहां से शुरू हुआ, जैसे ही डीएनए बी का जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता गया, साथ साथ में क्या होता गया, ये बढ़ता गया। यानी इनिशिएशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन ए तक की कहानी होती है वो इनिशिएशन में होती है। बट जैसे ही प्रोटीन सी, वैसे इसके अंदर इनिशिएशन
सी सी के अंदर ले सकते हैं हम इनिशिएशन के अंदर. प्रोटीन डीएनए बी जहां से शुरू होता है वहां से कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाता है? एलोंगेशन. करेक्ट, ये चीज आपको समझ आ गई होगी. अगला एक प्रोसेस और होता है टर्मिनेशन, वो हम देखेंगे अगली क्लास में. ठीक है, तो तब तक एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टर्मिनेशन का प्रोसेस. दो प्रोसेस हमारे हो गए. अगला जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? टर्मिनेशन, यानी रेप्लिकेशन को बंद करना, ख़त्म करना. ओके.